अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गुराब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एंड्रॉइड फ़ोन के 10 बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक्स लेकर आया हूँ, जो कि इससे पहले आपको यकीनन नहीं पता होंगे। तो स्टार्ट करते हैं काउंटडाउन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जो सबसे पहले फीचर रखा है वो है मल्टी विंडोज़, जिसकी मदद से आप एक ही टाइम पर दो एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इधर व्हाट्सएप बिजनेस इस तरह ऑन की हुई है और इसको मैं इस तरह यूज़ कर रहा हूँ, और इसके अलावा मैंने यूट्यूब ऑन की हुई है और वो मैं इस तरह यूज़ कर रहा हूँ, और इस तरह हम कोई डॉक्यूमेंट्स अगर दो कंपेयर करना चाहें तो वो भी हम ईजीली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप बैक बटन लॉन्ग प्रेस करें तो ये आपके पास इस तरह एक बार आ जाती है, जिससे आप कोई भी ऐप्स को ईजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको एंड्रॉयड फ़ोन में किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एंड्रॉयड फ़ोन की तरफ से ऑलरेडी हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह टू एप्लीकेशन को कंपेयर करवाना चाह रहे हैं और उनको सेम टाइम पर यूज़ करना चाहते हैं, और इसके अलावा आप साइड बार लेकर आना चाह रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपने अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है और इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, तो ये आपके पास इधर आ जाएगा मल्टी विंडोज़ फीचर। इसको आपने क्लिक करना है और इधर से आपने मल्टी विंडोज़ फीचर को ऑन कर देना है, तो ये आपके पास इस तरह साइड बार आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपने टू एप्लीकेशन का कंपैरिजन करवाना है तो इस ऑप्शन को भी आपने चेक कर देना है, जो कि मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है। और ये ऑप्शंस आप चेक करने के बाद अपने होम स्क्रीन में जाएंगे, और इसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं व्हाट्सएप बिजनेस को दोबारा किसी एप्लीकेशन के साथ कंपेयर करवाना चाह रहा हूँ, तो ये मैंने व्हाट्सएप बिजनेस ऑन की हुई है, तो इधर से हमने रिसेंट बटन पर क्लिक करना है, और ये जो आपके पास टू लाइंस का ऑप्शन आ रहा है इस पर आपने क्लिक कर देना है, और इसके बाद ये आपके पास इस तरह डिफरेंट एप्लीकेशंस आ जाएंगी जो कि आपके पास विंडोज स्प्लिट को सपोर्ट करती हैं। तो इधर से हम यूट्यूब को ऑन करते हैं, यूट्यूब को इस तरह यूज़ कर सकते हैं ईजीली, और इसके अलावा हम इधर से व्हाट्सएप बिजनेस को ईजीली यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप ये सेंटर में जो आपकी स्क्रीन पर डाटा आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे और इस तरह नीचे को ड्रैग करेंगे, तो ये आपके पास विंडो इस तरह आप जिसको ज़्यादा शो करवाना चाह रहे हैं वो ज़्यादा शो करवा सकते हैं, और जिसको कम शो करवाना चाह रहे हैं उसका साइज़ कम कर सकते हैं इस तरह। और इसके अलावा अगर आप इस डॉट पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इधर फोर ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें से आप अगर एक विंडो को बंद करना चाहें वो कर सकते हैं, और इसके अलावा फुल स्क्रीन करना चाहें वो कर सकते हैं, और इसके अलावा आप किसी विंडो को ड्रैग करना चाहें वो कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप किसी विंडो को इस तरह एक्सचेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी सेकंड ट्रिक की तरफ। बाज़ अफराज की आई साइड इतनी कमज़ोर होती है कि वो मोबाइल फ़ोन को इजीली यूज़ नहीं कर सकते। आप गैलरी में से किसी इमेज को जूम तो कर सकते हैं, अगर आपने किसी एप्लीकेशन को एप्लीकेशन आइकॉन वगैरह को इस तरह अपने फुल मोबाइल को जूम करना है तो वो किस तरह करेंगे, तो इसके लिए आपने अपने ऐप्स में जाना है और इधर से आपने सेटिंग्स में जाना है, और इधर से आपने स्क्रॉल डाउन करना है, और इधर आपने एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, इधर ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा विजन। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपके पास इसके अल्टरनेट विजिबिलिटी एनहेंसमेंट का ऑप्शन आएगा, जिसको आपने क्लिक करना है, और इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, और इधर ये आपके पास आ जाएगा मैग्नीफिकेशन गेस्चर। अगर आपने विजिबिलिटी इन्हेंसमेंट के ज़रिए इसको ओपन किया हुआ है तो आपके पास इधर ओनली मैग्नीफिकेशन आएगा, उस पर आपने क्लिक करना है, और इसके बाद आपने इधर से इसको टर्न ऑन कर देना है। और इसके बाद हम अपने होम स्क्रीन पर चलते हैं, और इधर से कहीं से भी आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को जूम करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपने तीन बार इस तरह टैप करना है तो आपकी स्क्रीन जूम हो जाएगी। और अगर आप दोबारा इसको जूम आउट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपने अपनी टू फिंगर्स यूज़ करनी है, और इससे आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं और इसके अलावा जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बाजू का हमारा मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग होता है, जिस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है तो आपने पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना है, तो ये आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इधर से आपने पावर ऑफ बटन पर लॉन्ग प्रेस करना है, तो ये आपके पास इधर आ जाएगा रीबूट टू सेव मोड, जिसको आपने रीस्टार्ट पर क्लिक करना है, तो इससे आपका मोबाइल फ़ोन एक बार रीस्टार्ट होगा, और उसके बाद आपके पास जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होंगी वो ऑफ हो जाएंगी, और इससे आप अपने मोबाइल फ़ोन को इजीली विदाउट किसी हैंगिंग के यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका मोबाइल फ़ोन गुम हो जाए और आपके मोबाइल फ़ोन पर लाग लगा हो और कोई भला आदमी आपका मोबाइल फ़ोन वापस करना चाहता हो तो वो किस तरह करे, तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में अपनी लॉक स्क्रीन पर
इस तरह अपना मोबाइल फ़ोन नंबर शो करवा सकते हैं, जिसकी वजह से वो आदमी आपको इजीली कांटेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने ऐप्स में जाना है और इधर से आपने सेटिंग्स में जाना है। तो फ्रेंड्स इधर से आपने स्क्रॉल डाउन करना है और इधर आपके पास आ जाएगा लॉक स्क्रीन, तो इसको आपने क्लिक करना है और इधर से आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो इधर आपके पास आ जाएगा ओनर इन्फॉर्मेशन, जिसको आपने क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स इधर आप अपना सेकंड नंबर ऐड कर सकते हैं जो कि आपके पास आपके मोबाइल फ़ोन की लॉक स्क्रीन पर शो हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसमें फ़न करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसमें कोई अट्रैक्टिव सेंटेंस टाइप करके अपने फ्रेंड्स के साथ फ़न भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बाज़ूकात हमने किसी माइनर चीज़ का लेवल चेक करना होता है जो कि इंजीनियर एक खास आले के जरिए चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम भी इस तरह किसी चीज़ का लेवल चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें किसी आले की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमने प्ले स्टोर में जाना है और इधर आपने सर्च बार में सर्च करना है बबल लेवल। तो इधर ये आपके पास फर्स्ट एप्लीकेशन आ जाएगी बबल लेवल, तो इसको आपने इधर से क्लिक करना है और ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, आपने इधर से इसको इंस्टॉल कर लेना है और इसके बाद इधर ओपन पर क्लिक करना है। तो इधर से फ्रेंड्स जैसे ही आप अपने मोबाइल फ़ोन को स्क्रॉल करेंगे तो ये आपके पास इस तरह आपके मोबाइल फ़ोन में जिस चीज़ का आप लेवल चेक करना चाह रहे हैं वो आपके मोबाइल फ़ोन में ही ईजीली बता देगा। तो फ्रेंड्स अगर आप टच स्क्रीन के जरिए अपनी कॉल को आंसर करने से और एंड कॉल करने से बहुत ज़्यादा उकता चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, अगर ये आप फीचर ऑन कर लेंगे तो इससे आप अपनी वॉइस के ज़रिए अपनी कॉल का आंसर कर सकते हैं और वॉइस के ज़रिए रिजेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप पावर बटन के ज़रिए रिजेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं और इसके अलावा वॉल्यूम बटन के ज़रिए अगर आंसर करना चाहें वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपने ऐप्स में जाना है और इधर से आपने सेटिंग्स में जाना है और इधर से आपने स्क्रॉल डाउन करना है और इधर ये आपके पास आ जाएगा एक्सेसिबिलिटी, तो इस पर आपने क्लिक करना है और इधर ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स, तो इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये इधर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें से अगर आप इस फीचर को चेक करेंगे तो आप होम की के ज़रिए अपनी कॉल्स का आंसर कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप इस फीचर को ऑन करते हैं और इधर से आपने ओके पर क्लिक करना है तो इधर से आप अपनी वॉइस के ज़रिए अपनी कॉल को अटेंड कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपने वॉइस के ज़रिए अटेंड करना है तो इसके लिए आपने बोलना है आंसर, और अगर आप रिजेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपल रिजेक्ट बोलना है, तो इससे आपकी कॉल रिजेक्ट हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप हैंड वेइंग के ज़रिए अपनी कॉल को अटेंड करना चाह रहे हैं तो वो आपने इस फीचर को ऑन कर लेना है, और इसी तरह अगर आप अपनी कॉल को पावर बटन के ज़रिए एंड करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपने इधर प्रेसिंग द पावर की पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स कलर स्क्रीन तो हम डेली यूज़ करते हैं, अगर आप भी 19 के दौर में जाना चाह रहे हैं और अपने मोबाइल फ़ोन को ब्लैक एंड वाइट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपने ऐप्स में जाना है और इधर से आपने सेटिंग्स में जाना है और इधर से आपने स्क्रॉल डाउन करना है और इधर आपके पास ये डिवेलपर ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपने अबाउट फ़ोन में जाना है और इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और इधर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा बिल नंबर, जिस पर आपने 7 बार मल्टीपल इस तरह क्लिक करना है, तो आपके पास इधर डेवलपर ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। तो इसके बाद आपने डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, तो फ्रेंड्स इधर आपके पास आ जाएगा सिमुलेट कलर स्पेस, इस पर आपने क्लिक करना है और इसके बाद आपने इधर मोनोक्रेसी चलो जो भी ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है, और इसके बाद आपका मोबाइल फ़ोन ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बाज़ूकात हमारे पास हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन इतनी बड़ी होती है कि हम उसको सिंगल हैंड से यूज़ नहीं कर सकते, और बाज़ूकात हम सिंगल हैंड से यूज़ करना चाहते हैं जो कि हम बड़ी स्क्रीन पर इजीली यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको अगर आपने यूज़ करना है तो इसके लिए आपने ऐप्स में जाना है और इधर से आपने सेटिंग्स में जाना है और इधर से आपने स्क्रॉल डाउन करना है, तो इधर ये आपके पास आ जाएगा वन हैंड ऑपरेशन, जिसको आपने क्लिक करना है और इसके बाद इधर से आपने इसको ऑन कर देना है। तो इसके बाद जिस तरह ये स्क्रीन में हमें शो भी करवा रहा है कि इस तरह हमने एक बार इस तरह अपनी स्क्रीन पर क्लिक करके लेफ्ट साइड पर इस तरह ड्रैग करना है और उसके बाद राइट साइड पर ड्रैग करना है, तो ये आपके पास वन हैंड ऑपरेशन एक्टिवेट हो जाएगा और इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल ग्रुप सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़।